दोस्तों साल 2008 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ रोमांचक टीवी शो छोटी बहू तो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें राधिका भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त होती है और मंदिर में पूजा करने के दौरान देव से मिलती है और दोनों ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। लेकिन इन्हें अपना ये प्यार मुकम्मल करने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस यही थी सीरियल की कहानी, जिसकी कहानी के साथ साथ इस कहानी को पर्दे पर पेश करने वाले कलाकार भी खूब पॉपुलर हुए थे। इसीलिए तो सीरियल के किसी भी कलाकार को आज भी किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन कलाकारों के बारे में नहीं बल्कि इनके रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू कराने वाले हैं, जो कि इनसे बेहद प्यार करते हैं और अपनी फील्ड में खूब सक्सेसफुल हैं। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार और उनके रियल लाइफ पार्टनर। नंबर एक, आदित्य लाखिया। इस सीरियल में अभिनेता आदित्य लाखिया को सहायक अभिनेता के तौर पर मनसा राम का किरदार निभाते हुए देखा गया था, जिनका ये किरदार बेहद सिंपल और सादगी भरा था, जिसे दर्शकों ने अपना बेहद प्यार दिया था। लेकिन अगर बात करें अभिनेता आदित्य लाखिया की रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बसाया है और ना ही ये वर्तमान में किसी के साथ रिलेशनशिप में है। फिलहाल ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं और लगातार अपने अलग अलग अंदाज से दर्शकों का खूब दिल जीत रहे हैं। नंबर दो, अविनाश सचदेव। इस सीरियल में देव की मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता का रियल नेम अविनाश सचदेव है, जिन्होंने सीरियल में राधिका के साथ उनके लाइफ पार्टनर की भूमिका बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश करते हुए दर्शकों से खूब तारीफें बटोरी थी। वहीं अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम शलमाली देसाई है, जिनके साथ इन्होंने साल 2015 में अपना घर बसाया था। लेकिन इनका ये रिश्ता कुछ ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रहा और आपसी मतभेद के कारण साल 2017 में ही अभिनेता अविनाश सचदेव और शलमाली देसाई एक दूसरे से अलग हो गए। पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शलमाली टीवी इंडस्ट्री की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने गुलमोहर ग्रैंड जैसे सीरियल के साथ साथ इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर से में अभिनेता अविनाश सचदेव के साथ भी काम किया है। नंबर तीन, रीटा भादुरी। सीरियल में देव की दादी माँ का किरदार अभिनेत्री रीटा भादुरी ने अदा किया था, जिन्होंने अपने किरदार को इतनी बारीकी और खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था कि आज भले ही ये इस दुनिया में ना हो, लेकिन इनके द्वारा निभाया गया ये किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वहीं अगर बात करें दादी माँ यानी कि रीटा भादुरी के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि रीटा भादुरी ने अपनी अंतिम सांसों तक अपना घर नहीं बसाया था। जी हाँ, रीटा भादुरी अनमैरिड रही हैं, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस किया था। नंबर चार, सृष्टि रोड़े। सीरियल में अभिनेत्री सृष्टि रोड़े को मुख्य अभिनेत्री के तौर पर राधा का किरदार निभाते हुए देखा गया था, जिन्होंने अपने इस शांत और मासूम किरदार से दर्शकों द्वारा खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बसाया है, लेकिन ये एक समय पर मनीष नागदेव के साथ रिलेशनशिप में रही हैं। यही नहीं बल्कि बिग बॉस 12 के दौरान मनीष से मिली सृष्टि रोड़े ने इनके साथ सगाई भी कर ली थी, लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद ही आपसी मतभेद के कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिसके बाद अब खबरें हैं कि वर्तमान में सृष्टि बिग बॉस 12 के ही कंटेस्टेंट रोहित सुचांती को डेट कर रही हैं और जल्द ही उनके साथ घर भी बसाने वाली हैं। नंबर पाँच, रुबीना दिलाइक। सीरियल में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला किरदार राधिका दर्शकों के बीच इस कदर छा गया था कि आज भी देव की प्रेमिका का ये किरदार दर्शकों का फेवरेट किरदार बना हुआ है, जिसके इस खूबसूरत किरदार में हमें अभिनेत्री रुबीना दिलाइक नजर आई थीं। वहीं अगर बात करें राधिका यानी रुबीना दिलाइक की रियल लाइफ देव के बारे में, तो इनके पति का नाम अभिनव शुक्ला है, जिनसे इन्होंने साल 2018 में शादी की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिनव शुक्ला भी इन्हीं की तरह एक एक्टर हैं, जिन्होंने छोटी बहू, हिटलर दीदी और दिया और बाती हम जैसे कई टीवी शोज के साथ साथ अक्सर 2 और लुका छुपी जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा ये कुछ समय पहले ही बिग बॉस 14 में अपनी वाइफ रुबीना दिलाइक के साथ भी नजर आए थे। तो दोस्तों, इन कलाकारों में से आपको सीरियल में किस कलाकार का किरदार सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा था और किन कलाकारों के साथ उनके पार्टनर की जोड़ी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।